और चलिए अब खबरों में बढ़ेंगे आगे। कोसली विधानसभा से बीजेपी के संभावित युवा प्रत्याशी अभिमन्यु यादव ने नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में पहुंचकर लोगों ने इसका लाभ उठाया। इस मौके पर अभिमन्यु यादव ने चुनाव की तारीख का स्वागत करते हुए कहा कि इस बार बदलाव के चुनाव होंगे। अभिमन्यु पूर्व की सरकारों पर भी निशाना साधना यहां पर नहीं भूले। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने पर्ची खर्ची सिस्टम को खत्म किया, अब नौकरियां मेरिट के आधार पर मिलती हैं। अभिमन्यु यादव ने कहा कि पूर्व की सरकारों ने हमेशा कोसली इलाके की अनदेखी की, जिससे युवाओं में काफी नाराजगी है, क्योंकि उन्होंने रोजगार से उन्हें हमेशा वंचित रखा गया। साथ ही उन्होंने कहा कि तीसरी बार फिर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। आज ये आंखों का कैंप है, यहां सीहा, लवाना, दवाना, जैनाबाद और आसपास के गांव के लोग, मेरे बुजुर्ग जिनकी आंखों में कोई दिक्कत है वो यहां पे आए हैं। इसमें बिना ऑपरेशन के लेंस डाले जाएंगे, जिनको चश्मे की जरूरत है